मैं हूं बर्नाली और आज हम लोग सीखेंगे कैसे फ्लावर बनता है क्रॉचेट में, रोज फ्लावर कैसे बनता है क्रॉचेट में। इसके लिए पहले ऐसे करके एक घर लीजिए, ये स्लिप नॉट हो गया। अभी चेन 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 चेन हुआ। 25 चेन होने के बाद चेन 1 और जो सेकंड चेन है, अभी ऐसे हर एक घर में एक सिंगल क्रोशे, तो टोटल 25 सिंगल क्रोशे विल बी देयर। ऐसे करके ये फर्स्ट लाइन करना थोड़ा सा देख के करना पड़ता है क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है, फर्स्ट लाइन के बाद काम इजी हो जाता है। ऐसे करके टोटल 25 सिंगल क्रोशे आपको करना है। ये फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगता है। मैं एक बैग बनाई, फ्लावर बास्केट बैग, उसमें लगाने के लिए मैं ये फ्लावर बना रही हूँ। ये आप अगर वाइट में वो बैग बनाएंगे तो जो भी कलर आपके पास है उसमें से कोई भी कलर वाइट के साथ मैच करेगा। ऐसे करके आप मैचिंग करके, मिक्स एंड मैच कर करके कर सकते हैं। अभी देखिए ये हो गया 25 सिंगल क्रोशे। अभी चेन 1 एंड टर्न, टर्न किया। अभी जो सेकंड चेन है उसमें बनेगा 5 डबल क्रोशे एक ही घर में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशे। और नेक्स्ट जो घर है उसमें एक स्लिप स्टिच, फिर जो नेक्स्ट घर है उसमें बनेगा 5 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, और जो नेक्स्ट घर है उसमें एक स्लिप स्टिच। ऐसे करके 7 क्लस्टर बनेगा। ये हुआ 1, 2। अभी देखो ये हो रहा है थर्ड, ऐसे 7 पेटल्स बनेगा, 3, 4 और 5, नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच, फिर 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 4 पेटल्स हुआ। अभी 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट घर में एक स्लिप स्टिच हुआ, 5 पेटल। अभी और 2 पेटल बनाएंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट पेटल, 1, 2, 3, 4,
ऐसे करने के बाद कितना हुआ देखो, एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशे पेटल हुआ, डबल क्रोशे क्लस्टर 7 हुआ। अभी करेंगे जो नेक्स्ट घर है उसमें हाफ डबल क्रोशे करेंगे 4, एक ही घर में 4, 1 2 3 4, और नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट घर में 1 2 3 4, और नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच। ऐसे करके 1 2 3 4, नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच, और देखिए 1 2 3 4 स्टिचेस आर देयर, तो कितना हुआ जो 1 2 3 हुआ जो हाफ डबल क्रोशे वाला क्लस्टर। अभी एक घर में 3 सिंगल क्रोशे बनेगा, 1 2 3, नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच। अभी 1 2 3 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट घर में स्लिप स्टिच, बस हो गया इसको। बंद कर दीजिए और कट करिए। देखिए ये हुआ हाफ डबल क्रोशे के क्लस्टर बना 7, फिर सॉरी डबल क्रोशे का क्लस्टर बना 7, फिर हाफ डबल क्रोशे का क्लस्टर बना 3, फिर सिंगल क्रोशे का क्लस्टर बना 2। अभी इसको ऐसे करके फोल्ड करना है। देखिए ये फ्लावर बन गया, देख सकते हैं आप, ये फ्लावर बन गया। अभी ये फ्लावर को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए कैसे, अभी जो जहाँ पे ये ख़त्म हुआ वहाँ पे एक ऐसा निडल से धागा से नॉट लगाइए, नहीं तो ये निकल के आ जाएगा। ऐसे करके नॉट लगाइए। ये नॉट लगाने के बाद इसको ऐसे करके घुमा घुमा के एक एक को पकड़ना पड़ेगा और ऐसे घुमा घुमा के इसमें स्टिच करना पड़ेगा। ये फ्लावर बहुत ही इजी है लेकिन बहुत सुंदर इफेक्ट देता है, बहुत सुंदर दिखता है। जब एक साथ 5 6 कलर का फ्लावर आप बनाएंगे ना तो वो पूरा बंच ऑफ फ्लावर्स बहुत स्वीट दिखता है। आपको मैं दिखाऊंगी, ये पूरा ख़त्म करने के बाद मैंने जो बैग बनाई है वो आपको दिखाऊंगी। देखिए ऐसे करके पूरा घुमा घुमा के ये स्टिच करना पड़ता है। लास्ट में जो घर है उसको ऐसे करके ऐसे, और इधर से जो धागा इसको पीछे खींच लीजिए करके थोड़ा सेट कर दीजिए। अभी इसको पीछे से नॉट लगाइए। काटा करिए, देखिए ये फ्लावर कैसा बना, अच्छा है ना, सुंदर है। आप लोगों को मैं पूरा बैग बनाने के बाद कैसे हुआ आपको दिखाऊंगी।
देखिए,